नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हिंदू धर्म की आस्था के साथ हो रहा खिलवाड़ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू धर्म में जिसे माँ की तरह पूजा जाता है, उस गंगा नदी में नाव पर बैठकर हुक्का और चिकन पार्टी की जाती है। वीडियो वायरल होता है तो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन क्या बस वो धर्म के ठेकेदार अब भी चुप रहते हैं जो मासूम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने और सिर तन से जुदा का नारा लगाकर माहौल खराब करने का काम किया करते हैं। कुछ लोगों को लगने लगा है कि हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, कुछ भी बोल और कह सकते हैं। तभी तो शिवरात्रि पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से लेकर सिर्फ दिवाली में ही पटाखों से प्रदूषण होता है, ऐसा ढोल पीटने लगते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में माथे पर त्रिपुंड लगाए व्यक्ति को विलन दिखाया जाता है और मां काली को सिगरेट पीते हुए दर्शाया जाता है। और इसके बाद भी सिलसिला यही नहीं रुकता। सरयू नदी हो या गंगा, उसमें पार्टी के नाम पर अपमान किया जाता है और बकायदा इसका वीडियो भी बनाया जाता है। अयोध्या में बीते 31 अगस्त को चौधरी चरण सिंह घाट पर मांस पकाते हुए एक महिला को स्थानीय संतों ने पकड़ा था और सूचना पुलिस को दी थी। वहीं एक हफ्ते के अंदर उसी स्थान पर दूसरी घटना अब सामने आई, जब मटन और चिकन दोनों पकाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों ने महिला को सरयू नदी के तट पर नॉनवेज पकाते हुए पकड़ा और नाराजगी जाहिर की। लोग देख सकते हैं कि ये फिर जो है मुर्गा मांस मच्छी यही बन रही है। देख सकते हैं ये टांगे आपको दिखाई पड़ रही है। मुर्गा था धर्म की नगरी में, प्रभु श्री राम की नगरी में। ये जो है ये मांगते लोग ना कि कृपा करें, धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये फिर से जो है पुनः एक बार महिला को नॉनवेज बनाते हुए पकड़ने वाले स्थानीय गौरक्षक रितेश दास और हनुमानगढ़ी के एक संत विजय दास है, जिन्होंने पुलिस को सूचना देने के बाद उसे कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के बाद से स्थानीय संतों में बेहद आक्रोश। हनुमानगढ़ी के स्थानीय नागा साधु विजय दास ने बताया कि सरयू के घाट पर दो जगह, एक जगह चिकन और एक जगह मटन बनाया जा रहा था। स्थानीय साधु ने कहा कि इस तरीके की घटना अयोध्या के संत और साधुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। अयोध्या की गरिमा को चोट लग रही है, इसे बंद होना चाहिए। इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।